लोक जॉइंट डायरेक्टर डीपीएम एंड फ्रेंड्स मीडिया। आज तारीख कल को एक नया सा इनिशिएटिव हम लोग का दिमासा ऑटोनोमस काउंसिल और जॉइंटली विथ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दिमासा हाउसिंग जो शुरू हुआ है, जैसा प्रिंसिपल सेक्रेटरी आउटलाइन करा है कि हम लोग का 78 सब सेंटर्स है ग्रास रूट लेवल दिमासा में, उन लोग का एक इवेल्युएशन कैसा चल रहा है, फील्ड स्टाफ कैसा चल रहा है, और जैसा है एक विजिट और विजिटर्स 78 विजिटर्स इंक्लूडिंग 28 मेंबर्स ऑफ द काउंसिल दैट इज ऑनरेबल सीएम सर, चेयरमैन सर, ईएम्स, एमएससीज एंड सीनियर ऑफिसर्स ऑफ नॉन मेडिकल डिपार्टमेंट जाएंगे और वहाँ का एक असेसमेंट करेंगे परफॉर्मर। तो उसमें से क्या है कि हम लोग दिमासा में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल है जो फेयरली वन ऑफ द बेस्ट इन द स्मॉल डिस्ट्रिक्ट नसा, उसके साथ साथ हम लोग का दो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बोलता 30 बेडेड वो चल रहा है, और साथ साथ में हम लोग का 12 SD स्टेट पब्लिक हेल्थ सेंटर्स बोलता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वहाँ पे हम लोग 16 है। तो क्या है कि आसाम में भी क्या आसाम स्टेट में भी हेल्थ इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल चल रहा है, ओनली PHE 10 बेडेड PHE लेवल है। तो पहली बार लास्ट दो हफ्ता पहले चीफ मिनिस्टर का ऑनरेबल माननीय मुख्यमंत्री जी का DC कॉन्फ्रेंस में हम लोग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी ये हम लोग का जो इनिशिएटिव है आउटलाइन करा है, तो चीफ मिनिस्टर भी हम सुना है, अप्रिशिएट करा है कि दैट्स फी लेवल ग्रास रूट लेवल। मेडिकल डिपार्टमेंट ऐसा नहीं कि हम लोग सब सोचता बीमारी को ठीक करेगा, वो बात तो नहीं, वो भी है, उसके बाद सोचता हम लोग हॉस्पिटल या डॉक्टर, वो बात नहीं। एक चीज़ है कि हम लोग का जो इंडियन पब्लिक हेल्थ सिस्टम बोल रहा है IPF का गाइडलाइंस है, वहाँ में हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट क्या सेवा करेंगे बीमारों लोग के लिए, वहाँ से बहुत सारा सा गाइडलाइंस है, मैन पावर से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर लेके ये है। तो क्या है कि हेल्थ में भी अलग चीज़ है कि बीमारी को देखो नहीं, बीमारी के पहले प्रिवेंशन आप लोग मालूम है, इम्यूनाइजेशन बोलता है या वैक्सीनेशन बोलता है, ये सब है। उसमें से क्या है, बाकी मेजर प्रोग्राम्स में हम लोग का दिमाग और हेल्थ डिपार्टमेंट इतना कमजोरी नहीं है, पर थोड़ा सा बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल चैलेंजेस इन स्टाफ का भी थोड़ा सा वर्क कल्चर है, क्या है ओवरऑल वहाँ में हम लोग का ग्रास रूट लेवल मेडिकल हेल्थ केयर में थोड़ा कमजोरी मिला है असेसमेंट में। तो वहाँ बोलता है ये मदर एंड चाइल्ड या एंटीनेटल ANC बोलता है वहाँ में हम लोग, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या है दैट फॉर नाउ ICU से लेके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके अदर इनिशिएटिव भी ओवरऑल दिमासा भी आगे बढ़ रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी क्या है अभी समय है, अभी 5 साल के लिए फिर बेटा है हम लोग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी और हम लोग का CM सर श्री डब्ल्यूएल गोलोसा का जरिए लोग इनिशिएटिव जॉइंट डायरेक्टर से लेके हेल्थ सेक्रेटरी सब लेके ये इनिशिएटिव हुआ। ये इनिशिएटिव क्यों यूनिक है, क्योंकि हम लोग गुणव साहब साहब बोलने से भी गुणव साहब से भी बहुत से हम लोग सीखा है इनिशिएटिव। तो हेल्थ में भी क्या है कि हम लोग माँ बेटी एक हेल्थ स्वस्थ रहने के लिए इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रेगनेंसी लेवल, तो ये चीज़ भी हम EM होके भी इतना क्लियर नहीं था, बट ये सब गाइडलाइंस देख के हम लोग मालूम है कि हेल्थ माँ जब प्रेग्नेंट होता है एक औरत वहाँ से भी उसका क्या खाना उसका क्या चेक होता है रेगुलर चेक करना है। हम लोग का ये दिमाग सा स्पेशली ट्राइबल समाज में थोड़ा कमजोरी है कि माँ का है नहीं, माँ होगा बच्चा देने वाला है जो खाने से रेस्ट मिलने से हो जाएगा, पर बहुत चीज इम्यूनाइजेशन लेके आयरन टैबलेट लेके आशा बोलो MPW उन लोग का भी तो ये थोड़ा सा नेगलेक्ट कमजोर हुआ, और फिर आजकल पोर्टल सिस्टम रजिस्ट्रेशन सिस्टम जब से प्रेग्नेंट होता जन्म से होता जन्म के बाद से भी ये सब आजकल ये एक गाइडलाइंस हो गया, वो तो डिपार्टमेंट और समझा सकेंगे, बट ये कंडीशन को एक विजिट और विजिटर के हिसाब से हम लोग जाके देंगे हम लोग का पोजीशन क्या है नहीं है क्या कमजोरी है। रास्ता जाने से भी एक PWD इंजीनियर आएगा तो मालूम होगा रास्ता वो सब सेंटर में क्यों रास्ता ऐसा है, और PHE पानी प्लानिंग बोर्ड में हम लोग बोलता तो एक PHE का इंजीनियर भी जाएगा हाँ यहाँ में तो पानी लगेगा। तो ये सब चीज़ को इंटर डिपार्टमेंट मोर देन आई थिंक 85 ऑफिसर्स ट्रेनिंग हुआ है 85 ऑफिसर्स ट्रेनिंग हुआ है अभी 2:30 बजे से यहाँ CM कॉन्फ्रेंस हॉल में हम लोग का
ऑनरेबल काउंसिल मेंबर्स का भी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग क्या करेंगे कल असेसमेंट, ये चीज़ तो कल होने वाला है। तो इसे ये चीज़ है, दो चीज़ इसमें से स्पेशली फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, ये चीज़ को हम लोग दिमासा ऑटोनोमस काउंसिल और हेल्थ डिपार्टमेंट भी, हम लोग स्वच्छता डजंट स्टॉप डजंट स्टार्ट एंड स्टॉप इन द हॉस्पिटल या डॉक्टर, स्वच्छता स्टार्ट अपना घर से, एक माँ क्या खाएंगे एक बच्चा क्या खाएंगे ये चीज़ को मैसेज जाना है। दो नंबर, हम लोग का स्टाफ में क्या कमजोरी है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो, अटेंडेंस ठीक है, जगह में नहीं रहता, ये है जगह पे रहने से भी जब कॉपरेशन नहीं होगा तो हम लोग इवेल्युएशन नहीं होगा तो हम लोग का क्या कमजोरी है, हम लोग का क्या अच्छा बात है वो भी हाईलाइट नहीं होगा। तो इसके लिए एक लास्टली हम बोलेगा ये रिव्यू मार्किंग के बाद भी डिपार्टमेंट और काउंसिल हम लोग अच्छा से असेसमेंट करेगा, कहाँ में हम लोग और प्लस करना है करेगा, जो हम लोग का काउंसिल का दिमासा ऑटोनोमस काउंसिल का रीच का बियॉन्ड डिपार्टमेंट दिमासा हेल्थ एंड फैमिली का बियॉन्ड है, उसको भी हम लोग ऊपर स्टेट नेशनल जो भी है लिखेंगे और हम लोग को प्लेस करेंगे ये बात है। सो ऑल इन ऑल हम लोग वी वॉन्ट द पीपल दिमासा टू नो दैट ये भी इवेल्युएशन है, दैट द दिमासा हेल्थ डिपार्टमेंट इज ऑलवेज देयर फॉर यू, हम लोग का डिपार्टमेंट का स्टाफ फील्ड लेवल स्टाफ भी और एक्टिवेट होना है, और उसके साथ साथ में हम लोग का भी ओवरऑल दिमासा में भी ये हेल्थ डिपार्टमेंट भी एक इनिशिएटिव यूनिक इनिशिएटिव लेंगे, ताकि हम लोग जो अपना प्राइमरी ड्यूटी है डिपार्टमेंटल ड्यूटी एंड दिमासा ऑटोनोमस काउंसिल का हम लोग को जो जिम्मेदारी है हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी तक बहुत जगह गाँवबुरा के घर से भी चल रहा है, बट अभी तक क्या है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल CHC लेवल PHC लेवल हम लोग थोड़ा आगे इम्प्रूव है। तो आप जो पूछने वाला चीज़ तो उसी कल के असेसमेंट में क्लियर पिक्चर हम लोग मिलेंगे, क्या यूटिलाइज हो रहा कि नहीं, एक दो स्टाफ क्वार्टर है ही भी है उन लोग नहीं रहता, नहीं स्टाफ क्वार्टर एकदम नहीं है ना, पुराना बिल्डिंग स्टाइल है वहाँ में भी, तो इसलिए ये प्रोग्राम हो रहा है। होपफुली नेक्स्ट 5 साल के अंदर बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे, कि दैट इज ऑल्सो देयर वेरी मच है मेडिसिन का सफर, बट मेडिसिन तो 10-20 हज़ार का किस्म होता है, ये हेल्थ एंड वेरी फैमिली डिपार्टमेंट भी बोलो, जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस से बोलो, हम लोग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी तरफ हम लोग का तरफ भी हम लोग वी आर ट्राइंग, पर एक बात श्योर है कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम लोग 10-20 हज़ार का डिफरेंट मेडिसिन नहीं दे सकेंगे, सप्लाई चेन जो इंडेंट और गैप में होके, इसलिए काउंसिल भी कोशिश कर रहा है। तो ये एक साल से थोड़ा सा कुछ कुछ ऑक्सीजन बोलो मेडिसिन बोलो थोड़ा ये कमज़ोरी हो गया, पर ऐसा नहीं कि जो भी डॉक्टर लिखेगा, हम लोग का मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर भी एक 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 प्रोग्राम में क्लियरली, वो तो लगने से आई कैन शेयर विथ यू ऑल्सो, क्लियरली बोला है कि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सब दवाई फ्री, ये बात नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ स्टेट दिमासा मेडिकल डिपार्टमेंट भी ऐसा पॉलिसी नहीं, वी कैनॉट गिव मेडिसिन, सब चीज़ फ्री नहीं होगा, एक मेडिकल प्रोफेशनल आदमी उसका प्रिस्क्रिप्शन लेके होगा। तो इफ़ अ डॉक्टर फील्स दैट दिस मेडिसिन इज बेटर एंड वो सप्लाई में नहीं है, इट इज़ अप टू द पेशेंट टू टेक अ गवर्नमेंट सप्लाई और नॉट टू वर्क, वो बात है, बट गवर्नमेंट सप्लाई तो एक लिमिटेड क्वान्टिटी लिमिटेड वराइटी होता है, बट बेसिक थिंग्स हम मानता है जैसा सलाइन कैनुला पैरास्टामोल पेंटॉप ये सब होना है, इसमें तो गैप होता है आई एम श्योर, ये आप लोग 3 से 6 महीना के अंदर देखो और जो इम्प्रूवमेंट 5 साल से हुआ इस बार और इम्प्रूव करेंगे। स्नो SNCU न्यू बॉर्न का SNCU, हम लोग का एवरेज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब वो चीज़ तो यहाँ में अमंग द हाइएस्ट इन थिंग था, एक महीना में 18 to 19-20 हुआ, तो SNCU बच्चा का स्मॉल न्यू बॉर्न का इन्फेंट को जो SNCU आके हम लोग का 4-5 के अंदर में विद इन रीजनल है। हाँ, मदर मोर्टेलिटी रेट थोड़ा सा हम लोग अप एंड डाउन होता है, स्पेशली कोविड साल में, DPM मैडम थोड़ा आप भी दे दीजिए, बट वहाँ में क्या है हम लोग का जोग्राफिकल चैलेंज है और सोसाइटी में भी थोड़ा ये है, एंटीनेटल केयर बच्चा प्रेगनेंट से होके वहाँ में हम लोग का डाइट कंट्रोल, हम लोग का बहुत चीज़ वैक्सीन नहीं लेंगे, हम लोग का टेटनस लेके अलग अलग लेके बहुत वो चीज़ पे कमज़ोरी है, जोग्राफिकल चैलेंजेस है। तो क्या है ये ग्रेजुअल प्रोसेस हम लोग का जो समाज में भी तो ये सब लेना मॉडर्न मेडिसिन नहीं ट्रेडिशनल बिलीफ भी बहुत है, तो उसका चैलेंजेस हर है, पर आई थिंक दैट ओवरऑल जस्ट स्टैटिस्टिक देख के नहीं है, चैलेंजेस भी देखे हो तो इतना रीजनेबल है।
और आई रिक्वेस्ट मैडम टू रिस्पॉन्ड। इस साल में एक हुआ, इस साल में इस साल में एक हुआ। हम लोग का ऑब्जेक्टिव वही है कि देयर शुड बी नो मैटरनल डेथ एंड नो चाइल्ड डेथ एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट।